Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. So today we are going to continue chapter number 1 of class 7th, which is nutrition in plants. In this part, we are going to cover about heterotrophic mode of nutrition, parasitic plants, insectivorous plants, saprophytic plants, and about symbiotic plants, which is from page number 7 to 10. So let's start with heterotrophic mode of nutrition, which is on page number 7. Subliving organisms depend on other living organisms for food. कुछ ऐसे living organisms होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए. लाइक ऑटोट्रॉप्स अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं एंड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप. और इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स. Alright, all animals including humans and the plants that cannot carry out photosynthesis are heterotrophs. सारे animals, humans भी और कुछ ऐसे plants जो कि photosynthesis की process नहीं कर पाते हैं, ऐसे plants को हम heterotroph कहते हैं. Monotropa and cuscuta are the examples of heterotrophic plants. These are the two examples, Monotropa and Cascata, which is the example of heterotrophic plants, जो कि photosynthesis की process नहीं करते. Let us study different type of heterotrophic plants. आइए study करते हैं different different type of heterotrophic plants. First of all, आ जाते हैं हम parasitic plants पर, कि parasitic plants क्या होते हैं. These heterotrophic plants have पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स का न्यूट्रिशन कैसा होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स का. इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन अ प्लांट लिव्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट एंड ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लेटर. ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक प्लांट दूसरी प्लांट के ऊपर रहता है और अपना न्यूट्रिशन उसी से प्राप्त करता है. द प्लांट दैट ड्राइव न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइट्स. ऐसे प्लांट्स जो कि इस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट. द प्लांट फ्रॉम विच द पैरासाइट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होस्ट. और जिन प्लांट से पैरासाइट अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं होस्ट. ऑलराइट, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं पैरासिटिक प्लांट्स के. कस्क्यूटा एंड रिफ्लेसिया, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट. इन दिस कस्क्यूटा इज द पेल येलो ट्विनिंग प्लांट ऑफ्टन सीन ऑन द ट्री टॉप्स. इट ट्विन्स ओवर द होस्ट एंड एब्जॉर्ब्स इट न्यूट्रिएंट्स यूजिंग सर्टेन स्पेशल रूल्स. कस्क्यूटा प्लांट पेल येलो कलर का होता है. जनरली कहां पाया जाता है? ट्री टॉप्स पर पाया जाता है, ट्री के टॉप पर होता है ये. अपना न्यूट्रिशन ये स्पेशल रूट्स के थ्रू, स्पेशल रूट्स होती हैं उसके थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है फ्रॉम द होस्ट. रेफ्लेसिया इज अ पैरासिटिक प्लांट फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मलेशिया. रेफ्लेसिया क्या है? एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि फाउंड किया जाता है मलेशिया के फॉरेस्ट में. इट इज द बिगेस्ट एंड द हैवीएस्ट फ्लावर. ये बिगेस्ट और हैवीएस्ट फ्लावर है सर्टेन प्लांट्स दैट आर पार्शली पैरासाइट्स. फॉर एग्जाम्पल मिसलेटू. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि पार्शली पैरासाइट्स होते हैं. उनका एक एग्जाम्पल क्या है? उनका एक एग्जाम्पल है मिसलेटो. दीज प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स और होस्ट फॉर वॉटर एंड मिनरल्स.
ये प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट ये डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स पर, होस्ट पर डिपेंड करते हैं वाटर और मिनरल्स के लिए। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पर। दीज प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग देम। ये प्लांट्स जनरली इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, संड्यू एंड ब्लैडर वर्ट। मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर फाउंड इन एनवायरमेंट वेयर नाइट्रोजन इज नॉट रेडिली अवेलेबल। ये प्लांट्स जनरली ऐसे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं या ऐसे एनवायरमेंट में हमें मिलते हैं जहां पर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होती इतनी ज्यादा मात्रा में। दे यूज इंसेक्ट्स प्रोटीन एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। इन्हें इंसेक्ट्स में जो प्रोटीन होता है उससे नाइट्रोजन प्राप्त होती है। दिस इज काइंड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। द लीव्स ऑफ अ पिचर प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर। जो पिचर प्लांट होता है उसकी लीव्स जनरली पिचर लाइक स्ट्रक्चर होती है। दैट टिप ऑफ द लीव फ्रॉम अ लिड टू अ पिक्चर। और ये क्या बनाती है? एक लीफ इनकी लिड बना लेती है, एक ढक्कन बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी मच क्लियर विद डायग्राम ऑफ पिचर प्लांट। दिस इज द पिचर एंड इस लीफ ने क्या बनाती है? ये लीफ बनाती है लिड, इसका कैप, इसका। द इंसेक्ट ट्रैप इन पिचर प्लांट इज डायरेक्टली डाउन बाय द हेयर इन द पिचर। इंसेक्ट पिचर प्लांट में ट्रैप होने के बाद सीधे नीचे पहुंच जाते हैं पिचर प्लांट में, पिचर प्लांट के जो हेयर्स के थ्रू होते हैं। देयर द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स प्रेजेंट इन जूस इनसाइड द पिचर। यहां पर इंसेक्ट्स डाइजेस्ट किए जाते हैं बाय द एंजाइम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं पिचर। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं पेज नंबर 9 पर। ऑन द पेज नंबर 9 हम पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक प्लांट्स कि सेप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं। सम प्लांट्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म मैटर लाइक डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक। ऐसे प्लांट्स को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं और दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक। एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स आर मोनोट्रोपा, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ऐसा न्यूट्रिशन जनरली मोनोट्रोपा, मशरूम्स और ब्रेड मोल्ड में पाया जाता है। द सेप्रोफाइट रिलीज डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोफाइट रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूस, जो भी डिकेइंग मैटर होता है ना, जो भी डेड एनिमल होता है या डेड प्लांट होता है, उन पर ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर देते हैं। ओके, दीज जूस एक्ट अपॉन एंड कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इंटू लिक्विड फॉर्म, सिंपलर सब्सटेंसेस। और जो जूस ये डेड प्लांट और एनिमल पर रिलीज करते हैं, वो जूस डेड प्लांट और एनिमल को कन्वर्ट कर देता है लिक्विड फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। दीज ऑर्गेनिज्म देन अगेन एब्जॉर्ब दिस लिक्विड एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। और ये क्या करते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म दोबारा से उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसी के थ्रू इनका न्यूट्रिशन होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो ये सेप्रोफाइट्स जनरली एक जूस रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूस, जो भी डेड मैटर पर होता है, और वो डेड मैटर फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और इसको ये दोबारा से कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके थ्रू इनका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है।
तो सैप्रोफिटिक प्लांट्स के बाद अब हम आ जाते हैं सिम्बियोटिक प्लांट्स। दैट कि सिम्बियोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इज अ क्लोज एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्लोज एसोसिएशन होता है दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का। इन दिस एसोसिएशन टू ऑर्गेनिजम्स मे मैनुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। इस एसोसिएशन में जनरली क्या होता है, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। ओके, दे एक्चुअली गेट नरिशमेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जनरली नरिशमेंट लेते हैं, इनको एक्चुअल नरिशमेंट कहां से मिलता है, एक दूसरे से नरिशमेंट मिलता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रिलेशनशिप इज लाइकन, विच इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगाई। जो किसके बीच में एसोसिएशन होता है, जो कि एल्गे और फंगाई के बीच का एसोसिएशन होता है। एल्गे बीइंग एन ऑटोट्रॉफ सिंथेसाइज फूड। एल्गे एक ऑटोट्रॉफ है जो कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है। फंगाई बीइंग सेप्रोफिटिक, और फंगाई क्या है, ये एक सेप्रोफाइड है, सेप्रोफिटिक है। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स सप्लाई टू द एल्गल पार्टनर अलॉन्ग विद द शेल्टर। फंगाई एक सेप्रोफाइड है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड मिनरल, ओके, और ये सप्लाई कर देता है अपने एल्गल पार्टनर यानी कि एल्गे को। इसके साथ ये उसको क्या देता है, शेल्टर भी देता है। अब इन दिस रिलेशनशिप हम ये देख रहे हैं कि एल्गे अब खाना बनाता है और फंगाई क्या करता है, फंगाई वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर एल्गे को प्रोवाइड करता है, और उसके साथ उसे वो क्या देता है, उसके साथ उससे वो शेल्टर भी देता है। सो दीज आर द सिम्बियोटिक प्लांट्स जो कि म्यूचुअल बेनिफिट्स पर काम करते, जिनमें एक दूसरे का वो बेनिफिट करते। ओके, अब हम आ जाते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन हेल्प टू रिप्लेनिश द सॉइल। सिम्बियोटिक एसोसिएशन कैसे हेल्प करता है सॉइल को रिप्लेनिश करने में। ओके, सिम्बियोटिक एसोसिएशन इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू द फार्मर। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बहुत हेल्पफुल होता है फार्मर्स के लिए। सॉइल प्रोवाइड्स मैनी मिनरल्स टू द प्लांट्स सच एज फॉस्फोरस पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। सॉइल बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करती है प्लांट को, जैसे कि फॉस्फोरस पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। Among all the nutrients, nitrogen is very important for the growth of plant as well as for the synthesis of proteins. In सारे nutrients में एक important nutrient होता है nitrogen, जो कि growth of the plant के लिए बहुत important है और proteins को synthesize करने के लिए भी, proteins को बनाने के लिए भी बहुत important है। प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। प्लांट्स एटमोस्फियर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको उसका यूज नहीं कर सकते। सर्टेन माइक्रोब्स सच एज राइबोसियम कैन कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू अ फॉर्म दैट कैन बी इजीली यूज बाय प्लांट्स। बट कुछ माइक्रोब्स होते हैं लाइक राइबोसियम, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उस फॉर्म में चेंज करते हैं जिसके थ्रू ये इजीली, ठीक है, जिसके थ्रू इजीली प्लांट इसको फिर ग्रैब कर सकते हैं। दिस बैक्टीरियम गेट एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ लेग्यूम्स प्लांट सच एज पी बीन्स एंड ग्राम्स। ये बैक्टीरिया जनरली हमें कहां पाया जाता है, ये बैक्टीरिया जनरली हमें पाया जाता है लेग्यूम क्रॉप, जितनी भी फली वाली क्रॉप्स होती है ना, लाइक पीज होती है, बीन्स होती हैं, मटर होती हैं, बीन्स होते हैं, ग्राम्स यानी कि चने, जितनी भी लेग्यूम क्रॉप्स होती है ना उसके साथ ये बैक्टीरिया पाया जाता है। द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरियम। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब खाना और रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। राइबोसियम फिक्स नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स एंड दस हेल्प्स
इन रिप्लेनिशिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। और राइबोसियम क्या करता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्पफुल रहता है और सॉइल को रिप्लेनिशिंग में भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है सॉइल में उनको भी पूरे करने में हेल्पफुल रहता है। दैट इज वाई फार्मर ग्रो अ लेग्यूमिनस क्रॉप इन बिटवीन टू मेन क्रॉप्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो जनरली फार्मर दो मेन क्रॉप्स के बीच में एक लेग्यूम क्रॉप्स जरूर ग्रो करते हैं जिसके थ्रू फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बनी रहती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फार्मर्स के लिए सिम्बियोटिक एसोसिएशन, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद इसलिए है क्योंकि क्रॉप को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है विच इज नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर पे बहुत नाइट्रोजन प्रेजेंट है ओके, बट उस नाइट्रोजन का यूज प्लांट्स नहीं कर सकते। लेकिन राइबोसियम एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसके थ्रू प्लांट्स उसको आराम से यूज कर पाते हैं। और उसके बदले में प्लांट्स उसको क्या देते हैं, फूड देते हैं और शेल्टर देते हैं। इट मींस इट इज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, राइबोसियम इज हेल्पिंग प्लांट्स एंड प्लांट्स आर हेल्पिंग राइबोसियम बैक्टीरिया। तो इट इज अ काइंड ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 10 पर। तो पेज नंबर 10 पर एक चार्ट दिया गया है हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स का। जितने भी हेटरोट्रॉपिक प्लांट है, देयर आर जनरली फोर हेटरोट्रॉपिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफिटिक एंड सिम्बियोटिक। ये हमें दे रखा है और इसकी ब्रीफिंग दे रखी है जिसके थ्रू इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड पैरासिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफिटिक एंड सिम्बियोटिक। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for today. I hope you all are safe at home. Admissions are open from playgroup to class 9. Kindly contact for the further information.